इसमें आपको नीचे पांच स्विचेस दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो आपका ये फर्स्ट स्विच है, ये आपका आईपी E3W का COC है। ये हॉरिजेंटल कंडीशन में क्लोज और वर्टिकल कंडीशन में ओपन रहता है। जो आपकी ये सेकंड COC है, ये आपकी LNT या BP का COC है, जो हॉरिजेंटल कंडीशन में बंद और वर्टिकल कंडीशन में ओपन रहता है। नीचे आप देख सकते हैं, आपको ये MU2 भी दिया गया है। ये वर्टिकल कंडीशन में ट्रेल या डेड रहता है और हॉरिजेंटल कंडीशन में लीड रहता है।